नमस्कार दोस्तों, मैं नमन विनीत, स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ फूड कार्ट, फुल स्टेनलेस स्टील बॉडी के अंदर बनी हुई है। बेसिकली काउंटर टाइप की है ये। बेसिक क्या होगा, ये दुकान के बाहर खड़ी रहेगी, इसको ज्यादा आगे पीछे करना नहीं है। एक मतलब जगह है, उस जगह के ऊपर पर्टिकुलरली रहेगी ये कार्ट। तो मैं आपको इसका पूरा दिखाता हूँ कि कैसी ये कार्ट दिखती है और कैसे ये ओपन होगी। पूरा लॉकेबल कार्ट है, तो मैं शुरू से लेके आपको आखिर तक दिखाता हूँ ये कार्ट कैसे दिखती है। और चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसको फुल कार्ट का व्यू। चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये कार्ट कैसे खुलेगी पूरी। आपको ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोलिक डोर्स लगे हुए हैं। इजीली आपको कुछ खाली पुश करना है और पुश करते के साथ ही ओपन हो जाएगी। सेम इस साइड भी ऐसा ही होगा, यहाँ से मैं खाली पुश करूंगा तो यहाँ से भी अपने आप ओपन हो जाएगी। और ऐसे ही थर्ड साइड भी होगा, चौथी साइड जो है आपकी। बारबेक्यू ग्रिल कार्ट है ये, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इसके अंदर का सिस्टम। इसमें तंदूर भी लगा हुआ है और ऐसे ही चौथी साइड भी होगा। तो ये चारों साइड आपकी खुल चुकी है कार्ड। और देखेंगे तो आपको साइड में ग्लास लगे हुए दिखेंगे, ये आपके टफन ग्लास है आपका। पूरे इधर की साइड भी आपका ग्लास लगा हुआ है, इस साइड भी आपका ग्लास लगा हुआ है, और ये थर्ड साइड जो है इधर की साइड भी ग्लास लगा हुआ है, ताकि आपका प्रोटेक्टेड रहे सामान जो भी है जब आप कस्टमर को दे रहे हो, और दिखे भी। एक बेसिकली क्या होता है, डिस्प्ले दिखाना, वो आपको कार्ड में पूरा मिलेगा डिस्प्ले दिखाने के लिए। और ये आपका एक पायलट बर्नर का कंट्रोलर है, इसके अभी स्टिकर लगने बाकी हैं, थोड़ा सा अभी काम रह गया था। तो ये पायलट बर्नर है और ये बर्नर का कंट्रोल है यहाँ पे। और ये देखेंगे यहाँ पे कैश का ड्रॉअर लगा हुआ है साथ में। अप साइड करेंगे आपका लॉक लग जाएगा। सेम यहाँ पे भी ड्रॉअर है, तो आपको इसको खोलना है इजिली। आपको डाउन करेंगे तो यहाँ से भी खुल जाएगा, और यहाँ पे पूरा स्टोरेज स्पेस आपका आ जाएगा अंदर की तरफ। काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस भी है, तीन ड्रॉअर हैं इसके अंदर आप देखेंगे ऐसे ही। थर्ड ड्रॉअर भी है, ये भी अंदर से लॉक है, तो ये भी आप खोल सकते हैं ऐसे। इसके अंदर तंदूर लगा हुआ है। बेसिकली अभी ये डाउन इसलिए रखे क्योंकि यहाँ का जो सरफेस है ये फ्लैट नहीं है, इस वजह से डाउन रखे, नहीं तो ये पूरा जो है आपका यहाँ तक पूरा कवर अप होगा। ये फ्लैट सरफेस ना होने की वजह से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पे परमानेंट रहेगी एक तरीके से क्योस, तो इस वजह से ये फ्लैट नहीं दिख रहा। और ये आपका बारबेक्यू ग्रिल करने के लिए, जो ग्रिलिंग वगैरह आपको करनी है वो इसके अंदर आप कर सकते हैं साइड में। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये शेल्फ जो है ये सर्विंग के लिए दी हुई है, ये आपकी सर्विंग शेल्फ है। और आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर दो फैन भी लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। बेसिकली क्या होता है, हीट अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हीट को निकालने के लिए ऊपर फैन लगे हुए हैं। साइड में आप देखेंगे तो ये फैन लगे हुए हैं ऐसे ही। उस साइड भी लगा हुआ है, उस साइड भी दिखा देना एक बार, दूसरी साइड भी आपका फैन लगा हुआ है। कनेक्शन के लिए मोटर के लिए वायर छुटी हुई है, तो वायर आप कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। इसके अंदर भी ट्यूबलाइट्स भी लगेंगे, और साउंड सिस्टम आप लगवाना चाहें तो साउंड सिस्टम भी लगवा सकते हैं इसके अंदर, ये ऑप्शनल है आपके पास। अगर आप एफएम वगैरह का सिस्टम लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। एक बार मैं बोलूँगा सर को, वहाँ से आप एक बार पूरा व्यू दिखाएंगे कार्ट का, और मैं आपको दिखाता हूँ खोल के साइड से। अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं शेल्फ का खोलने का। तो ये शेल्फ आपकी खाने के लिए, जब कस्टमर खाएगा तो वो यहाँ से आपका खा सकता है। ये वाली शेल्फ को मैं दिखाता हूँ कि ये वाली भी आप शेल्फ यहाँ से लगा सकते हैं। और ऐसे ही आपकी ये थर्ड साइड भी लगी हुई है, बेसिकली आपके कस्टमर के खाने के लिए है, जिन्होंने अपना खाना यहीं पे जैसे खाना होता है तो ये उसके लिए शेल्फ दे रखी है आपकी। ऐसे चौथी साइड भी लग जाएगी। तो टोटली कार्ट आपकी यहाँ पे सर्विंग के लिए भी आप देखेंगे काफ़ी बड़ी कार्ट हो जाती है। साइज देखेंगे तो पूरा बहुत बड़ा साइज है। और एक बार मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ और दिखा देना थोड़ा सा आके। यहाँ पे आप आओगे तो ये तंदूर जो है बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से आप ड्रॉअर खोलेंगे तो ये तंदूर को आप पूरा बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से पुश करके, तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा। और हैवी व्हील्स लगे हुए हैं, कास्टेड व्हील्स हैं, तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कितने कास्टेड व्हील लगे हुए हैं। टोटल 6 व्हील इसके अंदर लगे होंगे, एक वहाँ लगा हुआ है और दो वो देखेंगे उधर की साइड लगे हुए हैं, और बाकी 4 व्हील्स इसके अंदर भी लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ी कार्ट है, और प्राइसिंग अगर आपको जाननी है तो आप नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और मॉर्निंग में आपको सबको टाइमिंग का कन्फर्म दे रखा है। बाकी अगर आपको अच्छी कार्ट लगी हो, आपको इस टाइप की बनवानी हो,
तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आकृति इंडस्ट्रीज, गुड बाय।